Good morning, students. How are you all? I hope you are doing well. So, this is your EBS period. Okay. First of all, take your EBS book. Then take one pencil, sharpener, and eraser only. Then open your EBS book and come to the page number 10, chapter 3, My Family and Me. Okay, so today we will read the chapter My Family and Me. Okay, family. F-A-M-I-L-Y, family. Parents and their children form a family. मतलब जो parents यानी कि माता पिता और जो children यानी कि बच्चे, ये एक साथ मिलके बनती है family. Okay? Persons of a family are called its members. जो फैमिली में जितने भी पर्सन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जितने भी होते हैं मेंबर्स फैमिली में जितने भी पर्सन्स होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर्स. एम ई एम बी ई आर एस, मेंबर्स. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ओके, अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके फादर हुए तो उनका बेटा हुआ सन, उनकी बेटी हुई डॉटर और उनकी वाइफ हुई. ओके, सो ऐसी ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं. अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स. जो फैमिली होती है यानी कि जो परिवार होता है उसमें फ्यू मतलब कुछ या मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. फ्यू मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. ओके, नाउ रीड इट अगेन. फैमिली, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म अ फैमिली. पर्संस ऑफ अ फैमिली आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. A family can have a few or many members. Okay? Now come to the second paragraph. Different kinds of families. You can pronounce it families. Okay? A family with parents and their children only is called a nuclear family. You can call it nuclear family. जो family, a family with parents and their children only. ऐसी families जिसमें सिर्फ parents और children यानी कि उनके बच्चे होते हैं, सिर्फ parents और children होते हैं, उनको कहा जाता है nuclear family. न्यूक्लियर इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली. ओके, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ये डायग्राम है जिसमें ये पेरेंट्स है और ये उनके चिल्ड्रंस है. दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. नाउ लुक एट रोजीज फैमिली. ये है रोजी की फैमिली. ओके, शी लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर माइक. वो अपने पेरेंट्स और यंगर ब्रदर यानी यंगर मीन्स छोटा भाई के साथ रहती है. रोजी इज माइक सिस्टर. रोजी यानी कि जो ये रोजी है वो माइक की सिस्टर है,
माइक की एल्डर सिस्टर है, यानी कि माइक की बड़ी बहन है. शी हैज़ अ स्मॉल फैमिली, उनकी क्या है, एक स्मॉल फैमिली है, मतलब छोटे सा परिवार है. अ सिस्टर और ब्रदर इज कॉल्ड अ सिबलिंग. सिबलिंग जो सिस्टर यानी कि रोजी, ब्रदर माइक, इन ये दोनों भाई बहन हैं, इन दोनों को कहा जाता है सिबलिंग. ओके, दिस इज शमिताज फैमिली, ये है शमिता की फैमिली. ओके, शी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट कजिन्स एंड और सिस्टर. शी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली, ये है शमिताज की फैमिली. ओके, शी इज शमिता. ओके, शी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने दादा दादी के साथ रहती है. ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी के साथ रहती है. पेरेंट्स ये उसके मम्मी पापा है, पेरेंट्स के साथ रहती है. अंकल आंट ये उसके अंकल आंट है. ओके, यानी कि चाचा चाची. कजिन्स ये उसके भाई बहन है, कजिन्स मीन्स भाई बहन है. एंड अ सिस्टर और एक अपनी छोटी बहन के साथ रहती है. शी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली, और ये किसके साथ रहती है, जॉइंट फैमिली के साथ. तो जो इसकी फैमिली हुई जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, अंकल आंट कजिन्स सिस्टर सब इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो फैमिली होती है जॉइंट फैमिली. ओके, जॉइंट फैमिली. यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे सिर्फ क्या था, जो रोजी की फैमिली थी उसमें सिर्फ कौन थे, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, तो उनको बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स अंकल आंट कजिन सिस्टर सब आ जाते हैं, उनको बोला जाता है जॉइंट फैमिली. वी कैन कॉल इट जॉइंट फैमिली. ओके, नाउ रीड इट अगेन. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज, अ फैमिली विद पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ओनली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. Look at Rosie's family. She lived with her parents and younger brother. Mike. Rosie is Mike's sister. She has a small family. A sister or brother is called a sibling. This is Samita's family. She lives with her grandparents, parents, uncle, aunt, cousins, and a sister. She lives in a joint family. Okay? Now come to the page number 11. And read from the beginning. Okay? Priya lives with her father. Her father works in a bank. Unluckily, you can pronounce it unluckily. Priya's mother passed away when she was a little girl. She lives in a single parent family. Priya, she is Priya, lives with her father and he is her father. ये उसके पापा है प्रिया के. ओके, हर फादर वर्क्स इन अ बैंक, जो प्रिया के फादर है वो वर्क करते हैं बैंक में, यानी कि काम करते हैं बैंक में. अनलकीली, प्रियाज मदर पास्ड अवे व्हेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल. प्रिया की जो मदर थी वो एक्सपायर हो गई थी. ओके, मतलब डेथ हो गई थी उनकी जब वो बहुत छोटी थी, लिटिल मतलब बहुत छोटी थी. शी लिव्स इन अ सिंगल पेरेंट फैमिली, वो रहती है एक सिंगल पेरेंट फैमिली के साथ. ओके, क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी तो अब उसके साथ उसके पापा रहते हैं. ओके, ओनली, ठीक है, तो यानी कि वो रहती है सिंगल पेरेंट फैमिली के साथ. ओके, समझ में आया. नाउ रीड इट अगेन.
प्रिया लिव्स विद हर फादर हर फादर वर्क्स इन अ बैंक अनलकीली प्रियाज मदर पास्ड अवे वैन शी वॉज अ लिटिल गर्ल शी लिव्स इन अ सिंगल पेरेंट फैमिली नाउ डेट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास नाउ यू हैव टू रीड इन योर होम ओके ओके स्टूडेंट्स बाय बाय टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे